नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हम हैवी लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू अप्लाई फॉर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। तो इंडिया में दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो रिक्वेस्टेड आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने, भाइयों ने मुझसे पूछा कि मुझे बताएं कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितनी फ़ीस लगती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना है अपना, या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में आपको अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या क्या कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है और कहाँ से अप्लाई करना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आप इस वीडियो पे अगर, मुझे उम्मीद है वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको देनी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा जानकारी कलेक्ट करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस को हैवी अगर आप बनवाना चाहते हो तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपकी सारी जानकारी जो होंगी इस वीडियो में पूरी आपको मिल जाएगी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जब से नियम दोस्तों बदला है इंडिया में, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के में नया बदलाव आया, तो वहाँ से दोस्तों यहाँ पे इंडिया में लाइसेंस बनवाने वालों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे कतार सी लग गई RTO ऑफिसेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कितनी फ़ीस और कैसे उसको अप्लाई करना है और क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। तो ये दोस्तों हम इस वीडियो में पूरा लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जी हाँ, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना है तो इसके क्या क्राइटेरिया हैं, मतलब क्या क्या नियम और अर्हता या शर्तें हैं, उसको आपको पूरा करनी पड़ेगी तब आप ड्राइविंग लाइसेंस हैवी बनवा सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है, कि इसके अप्लाई मतलब कहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसकी फ़ीस कितनी लगती है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप में से बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन है कि इसकी फ़ीस कितनी लगती है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि एज की ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्तों, आपको अगर आप नहीं जानते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस कई टाइप के होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के लिए MCWG, LMB, फोर व्हीलर्स और कमर्शियल, नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों हैवी लाइसेंस भी एक कैटेगरी होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि हैवी व्हीकल को चलाने के लिए बनाई गई है, RTO ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने उसको बनाया हुआ है। तो उसको चलाने के लिए एज कितनी वहाँ पे आपको होनी चाहिए ये भी मैं बताऊँगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा आपकी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो और इसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे साथ में मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज क्लियर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आपको एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया मतलब बनता नहीं, उसको आप डायरेक्ट नहीं बनवा सकते हो, और जितने भी इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस हैं वहाँ पर उसको आप डायरेक्ट बनवा सकते हो। सपोज़ दैट अगर आप एक मोटरसाइकिल चलाना चाहते हो तो, या स्कूटी चलाना चाहते हो तो आप एक MCWG जैसे लाइसेंस बनवाते हो फॉर एग्जांपल, तो MCWG लाइसेंस दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फ़ीस पेमेंट करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आपको मिलेगा, उस टाइम पर आपको विजिट करना होगा RTO ऑफिस में। फिर उसके बाद वहाँ से दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड किया जाएगा, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाएगी, आपके सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे। तो ये जब आप पूरी वहाँ पे प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आप डायरेक्ट दोस्तों आपका MCWG लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के लिए बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद लर्निंग के बाद 30 दिनों के बाद परमानेंट आप बनवा लेंगे। तो ये होती है प्रक्रिया, ये इसको डायरेक्ट प्रक्रिया बोला जाता है। उसी के हिसाब से दोस्तों अगर आपको फोर व्हीलर चलाना है, जैसे आपके पास पर्सनल स्कॉर्पियो या कोई भी कार है, तो आप उसको लिए दोस्तों LMB लाइसेंस, या फिर अगर आप कमर्शियल चलाना चाहते हैं तो LMB, NT और T दो पहले होते थे, लेकिन अभी दोस्तों एक मर्ज कर दिया गया, अब सिर्फ LMB हो गया है। LMB लाइसेंस वाले ही दोस्तों, LMB NT लाइसेंस वाले भी दोस्तों अब कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि
मैंने इस ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें आप अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मिस कर दी हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर आप लोगों के लिए रख दी है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको आप जाइए मेरे चैनल पर देखिए, आपके बहुत सारे नॉलेज इंप्रूव होंगे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहाँ पे, तो ये जो HMB लाइसेंस होता है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों लाइसेंस जिसे आप LMB बनवाते हो, तो LMB के लिए भी आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर आप अपना फॉलो करेंगे, फिर RTO में विजिट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाएंगे, वहाँ से फिर आपके पास लर्निंग के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन HMB लाइसेंस जो होता है, ध्यान में रखिएगा, HMB लाइसेंस दोस्तों डायरेक्ट आप नहीं बनवा सकते हो कि जैसे आज मुझे ज़रूरत है माफ़ कीजिएगा एक HMB लाइसेंस की। तो HMB लाइसेंस दोस्तों जो होता है, हैवी लाइसेंस जिसको आप बोलते हो, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं तो हैवी मोटर व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म होता है हैवी मोटर व्हीकल को यहाँ पे शॉर्ट में HMB बोला जाता है, या उसको हैवी लाइसेंस बोला जाता है। तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट HMB लाइसेंस नहीं बनवा सकते। जैसे आपको ज़रूरत पड़ गई कि आज मुझे एक HMB लाइसेंस चाहिए, मुझे एक वहाँ पे पैसेंजर बस चलानी है, या फिर वहाँ पे मिनी बस चलानी है, या फिर एक JCB मशीन चलानी है, या गुड्स व्हीकल चलानी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करती हैं, ये सब HMB कैटेगरी में आती हैं। तो HMB जो कैटेगरी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये डायरेक्ट नहीं बनवा सकते हो। इसके लिए आपके नियम ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसके लिए आपके पास एक LMB लाइसेंस होना जरूरी है। जब तक आपके पास एक LMB लाइसेंस नहीं होगा, तब तक आप एक HMB लाइसेंस नहीं बनवा सकते हो। यानी कि अगर आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म होता है LMB लाइसेंस का, लाइट मोटर व्हीकल जिसको शॉर्ट में LMB बोला जाता है, एक लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी दोस्तों इशू डेट से 1 ईयर वहाँ पर डेट होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो HMB लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एक HMB लाइसेंस बनवा रहे हो, हैवी लाइसेंस, तो आपके पास मतलब ये कि आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए। सीधे शब्दों में आपको बताऊँ तो एक 4 व्हीलर का लाइसेंस, वो भी 1 साल पुराना अगर आपके पास रहेगा, तो ही आपका एक हैवी लाइसेंस बनेगा। हैवी लाइसेंस डायरेक्ट नहीं बनता है, अपग्रेड करना पड़ता है। LMB से आप सीधे जाते हो HMB में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला टॉपिक ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स हैं, उसमें मैंने दोस्तों खुद वहाँ पे रिसर्च किया और वहाँ पे मैंने खुद से उसको देखा और समझा। तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि 8th वहाँ पे आप पास, वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वहाँ पे, अगर आप बनवाना चाह रहे हो वहाँ पे एक हैवी लाइसेंस। तो हैवी लाइसेंस के लिए मिनिमम 8th पास वहाँ पे रखा गया है। लेकिन अभी दोस्तों RTO ऑफिसेस में दोस्तों 8th पास, क्योंकि दोस्तों ये वहाँ पे उसको एक मानक नहीं माना गया है, क्योंकि तो इसी के हिसाब से दोस्तों उन्होंने अपग्रेड करके RTO ऑफिसेस में दोस्तों उसको मैट्रिक कर दिया गया है। तो आपके पास एक 10th की मार्कशीट, जिसको आप डिटेल मार्क सर्टिफिकेट DMC भी बोलते हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो वो भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बनवाना चाह रहे हो एक हैवी लाइसेंस। तो फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज की, कि कितनी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो एज वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज की गई है इंडिया के वहाँ पे रूल में, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, उसमें जो एज लिखी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो एज ये बताई गई है कि यहाँ पे दोस्तों 16 साल से स्टार्ट होती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की एज। लेकिन उसमें जो वहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो 16 ईयर उसमें लिखा हुआ है, वो सिर्फ है 50 cc से, विदिन 50 cc तक। यानी कि अगर आपकी जो आप वाहन चला रहे हो वो दोस्तों 50 cc की क्षमता जो उसकी इंजन की होती है, उससे अगर कम है, तो आप 16 साल की एज में एक वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप जो भी गाड़ी चला रहे हो वो 50 cc से अबव है, तो 16 साल से दोस्तों तक आप ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हो। फिर उसके बाद जो एज है दोस्तों, वो वहाँ पे 18 की गई है। 18 एज वो है दोस्तों जहाँ पे आप वहाँ पे नॉन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ चला सकते हो। 18 में दोस्तों आप MCWG लाइसेंस बनवा सकते हो, एक LMB ENT दोस्तों लाइसेंस बनवा सकते हो, नॉन ट्रांसपोर्ट वाला LMB लाइट मोटर व्हीकल। तो 18 साल दोस्तों वहाँ पे मिनिमम एज आप मान सकते हो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो यहाँ पे
जो वहाँ पे एज है वो दोस्तों नॉन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखी गई है 18। अब बात करते हैं हैवी के लिए। हैवी लाइसेंस के लिए दोस्तों HMB के लिए, जिसको आप एज नॉन ट्रांसपोर्टेड गाड़ी बोल सकते हो, जो कमर्शियल व्हीकल हैं वहाँ पे दोस्तों जो एज हो वो 20 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे आपकी एज जो है वो 20 साल प्लस होनी ही चाहिए अगर आप एक वहाँ पर हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो। तो ये हो गई बात दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया जो वहाँ पे हैवी लाइसेंस बनवाने के वाले बनवानी है आपको, तो ये आपके पूरा आपको करना पड़ेगा तभी आपका वहाँ पे हैवी लाइसेंस बनेगा। तो उसके बाद दोस्तों हम अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हैवी लाइसेंस के लिए, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आप वहाँ पे एक ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये कि आप अपने नियरेस्ट जो अथॉरिटी है, असिस्टेंट ARTO ऑफिस, जिसको ARTO ऑफिस बोलते हैं, और वहाँ पर रीजनल में दोस्तों जो RTO ऑफिस है आप वहाँ विजिट करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने सारे ले जाएंगे। उसके बाद फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद दोस्तों बेसिकली फॉर्म 8 दोस्तों होता है हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए, तो फॉर्म 8 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो उसके साथ आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप वो ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप विजिट कहाँ करेंगे, आप स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है दोस्तों वो है www.parivahan.gov.in, यहाँ पे आपको विजिट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जो परिवहन सेवा का जो वहाँ पे साइट रहेगी उस पर आपको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएंगे, एक वाहन का, एक सारथी का। तो आपको सारथी वाले पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको स्टेट वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन, वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो न्यू वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपडेशन का जो वहाँ पर कॉलम रहता है वहाँ से आप वो लाइसेंस को अपने अपडेट कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपका लाइसेंस तो आप पहले ही बना रहता है, क्योंकि आपके पास एक ALMB लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास ALMB लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे परमानेंट नहीं बनवा सकते हो, इसलिए दोस्तों आप वहाँ से अपडेट वहाँ पर कर सकते हैं अपने ALMB लाइसेंस से। तो ये हो गई बात दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और ऑफलाइन के लिए आप अपने नियरेस्ट अथॉरिटी जो RTO ऑफिस होती है वहाँ पर आप जाएँगे, फॉर्म 8 लेंगे, फिलअप करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स वगैरह लगाएंगे तो आप बनवा सकते हो। ये हो गई बात दोस्तों कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो। तो हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ओरिजिनल आपके पास एक ALMB लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास एक ओरिजिनल ALMB लाइसेंस नहीं रहेगा, ALMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल, और ओरिजिनल लाइसेंस आपको लेके जाना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको वहाँ पे लगाने हैं, मैं आपको एक वन बाय वन बता भी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपके ओरिजिनल लाइसेंस आपको ले जाना है 4-व्हीलर का, जो कि नेसेसरी है अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो तो। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्म 8 वहाँ पे लेना होगा, उसको फिलअप करना है। उसको आप फिलअप करने के बाद दोस्तों फिर से आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको लगाना है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ज़रूरी होता है हैवी लाइसेंस बनवाना है अगर आपको। तो फॉर्म 8 जो है वो आपको पासिंग के साथ लगाना है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फिर वहाँ पे आपको फॉर्म 1, 2 और फॉर्म 3, ये तीनों फॉर्म आपको लेना है और वो भी फिलअप करके लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स फॉर्म बेसिकली 1A होता है, उसको आप वहाँ पे साइट से परिवहन सेवा की डाउनलोड कर सकते हो। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने नियरेस्ट जो वहाँ पे गजेटेड डॉक्टर होते हैं दोस्तों वहाँ से आप जाके उनसे बनवा सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास जो आपका एक ALMB वहाँ पे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी एक वहाँ पे फ़ोटो स्टेट आप उसको करवा के ले जा सकते हैं, ये भी उसमें मांगा आपसे जा सकता है। फिर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2 ID प्रूफ लगेंगे हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए। 2 ID प्रूफ में दोस्तों एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो शो करे वो दोस्तों, और एक वहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे आपको 2 वहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे। तो एक यहाँ पे आप मैं आपको एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे बर्थ प्रूफ तो कोई नहीं है तो आप वहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो 2 ID प्रूफ ही आपके लगेंगे। उसके साथ साथ आपके 2 फोटोग्राफ्स, रिसेंट फोटोग्राफ्स भी आपको ले जाना है RTO ऑफिस में। फिर उसके बाद आपका एक ज्वाइनिंग लेटर
और लास्ट में दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका एफिडेविट, ये इतने डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रिपेयर पहले से करके रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप मैं आपको बता दूँ कि आपको पहले से अप्लाई भी यहाँ पे अब करना पड़ रहा है दोस्तों। अगर आप हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो तो आप नियरेस्ट खुद से भी, आप कंप्यूटर से अगर आप वहाँ पे कंप्यूटर चलाते हैं तो खुद से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं चलाते हैं तो नियरेस्ट वहाँ पे साइबर कैफ़े या फिर इंटरनेट जो वहाँ पे दुकान होती हैं वहाँ से आप विजिट करिए, वहाँ से दोस्तों आप अपना एक वहाँ पर बनवा लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई रिसिप्ट जो मिलते हैं दोस्तों वहाँ से आप अप्लाई वहाँ पर रिसिप्ट जब ले लेंगे तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट मिलता है, उस टाइम स्लॉट पे आपको विजिट करना होता हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ये हो गई बात दोस्तों आपके, मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एज कितनी लगती है, एज मैंने आपको बता दिया कि 20 इयर्स वहाँ पे लगती है वहाँ पे अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो तो। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन्स वहाँ पर हो जाते हैं, तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दोस्तों आपको फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि अगर आपको हैवी लाइसेंस बनवाना है तो यहाँ पे फ़ीस जो है वो दोस्तों काफ़ी वैरी करती रहती है, लेकिन अब दोस्तों फ़ीस वैरी नहीं करेंगी। अब सारे डॉक्यूमेंट, माफ़ कीजिएगा, आपके सारे ड्राइविंग लाइसेंस जब से इंडिया में रूल लगा है 1 अक्टूबर 2019 से दोस्तों, कि अब सभी ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसे इंडिया में बनेंगे हर स्टेट का, और फ़ीस भी सेम रहेगी, तो वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों वेरिएशन है, जब भी मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है दोस्तों, आप अगर लेट में देख रहे हैं वीडियो तो हो सकता है ये तब तक रूल जा चुका हो और सभी जगह फीस एक समान हो गई हो। लेकिन अभी जो फीस स्ट्रक्चर हो आपको बता दूं तो वहाँ पे 200 वहाँ पे 40 रुपये प्लस 60 रुपये की एक वहाँ पे आपको फ़ीस रसीद कटवानी पड़ेगी हैवी लाइसेंस के लिए। और उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मेरे जो नियरेस्ट RTO ऑफिस है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ मैंने पता किया तो 1700 रुपये यहाँ पे 1700 दोस्तों 1700 रुपये डिस्ट्रिक्ट लेवल के RTO ऑफिस लेते हैं दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे आपको कहाँ से अप्लाई करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ये सब प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपका वहाँ पे लर्नर लाइसेंस बनेगा। लर्नर लाइसेंस जब आप बनेगा तो वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका एक वहाँ पे व्हीकल टेस्ट भी होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। व्हीकल टेस्ट यानी कि आपको ट्रक चलाना है तो ट्रक का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वो ट्रक चला के आपको दिखानी पड़ेगी। बेसिकली टेस्ट में होता क्या है कि वहाँ पर लगभग 50 से 100 मीटर एक डिस्टेंस होती है, वहाँ पे एक वहाँ पे गुड्स व्हीकल रखा रहता है ट्रक जैसे रहती है दोस्तों। बाकी फिर उसके बाद दोस्तों जैसे आपको टेस्ट देना होता है, जिस दिन आपको वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम और डेट पे आपको वहाँ मिलती है उसी डेट पे आपको टाइम पे RTO ऑफिस पहुँचना होता है। फिर उस RTO ऑफिस में जब आप पहुँचेंगे उसी दिन और समय पर, तो वहाँ पर आपके लिए वहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा कि आप ये गुड्स व्हीकल चला सकते हैं कि नहीं। सपोज़ दैट एक आपको ट्रक वहाँ पर कंटेनर देखने को मिलेगा, जैसे मैंने देखा था, तो मैंने RTO ऑफिस में जब विजिट किया तो वहाँ पे किस तरीके से टेस्ट होता है मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल का। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझसे, तो उन लोगों के लिए जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक वहाँ पे आपको ट्रक देखने को मिलेगा, उस ट्रक को आपको वहाँ पे ड्राइव करना रहेगा। एक वहाँ पे RTO ऑफिसर आपके सामने वहाँ पे एक वहाँ पे पेन और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपका सारा लेकर खड़ा रहेगा। वो दोस्तों आपको बोलेगा कि अब आप एंटर करिए ट्रक में, जैसे ही आप चढ़ेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप 100 मीटर तक आगे लेके जाइए। बेसिकली दोस्तों साइड में दोस्तों वहाँ पे एक वहाँ पे लाइनिंग रहती है, उसी के अंदर से आपको ट्रक को गुजारना होता है। फिर वहाँ तक आप 100 मीटर तक जब कहीं कहीं 100 मीटर कहीं 50 मीटर तक आप जब जाएंगे वो व्हीकल लेकर हैवी ट्रक होंगे जो भी हो दोस्तों, बस ट्रक जो आप चलाना चाहते हैं वो वहाँ पे जिस चीज़ के आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो हैवी के लिए वही आपको चलाना होता है। तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं ट्रक का लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पे उस ट्रक को आपको 50 मीटर तक लेके गए, फिर उसके बाद उसी दिशा में उसको बैक करके जिस स्थान से आपने शुरू किया था वहीं तक आपको ले आना होता है। ऐसा आपने अगर सही पूरा कहीं पर टच नहीं हुआ डिवाइडर में, सीधे आपने गए और फिर से बैक करके उसी प्लेस पे लाके गाड़ी को खड़ा कर दिया अच्छे तरीके से, तो आप टेस्ट में पास हो जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे 15 सेकंड यहाँ पे या 30 सेकंड दोस्तों मैक्सिमम वहाँ पे टाइमिंग जो है वो रहती है दोस्तों, उसी के अंदर आपको वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, मैंने खुद से एग्जाम दिया, मैंने पास भी किया दोस्तों, मेरे 15 में से लगभग दोस्तों 14 क्वेश्चन सही हुए थे। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता,
होता है, मीडियम होता है, आपको जानकारी रखनी होगी सिंबल्स की, कैसे यहाँ पे किस दिशा में टर्न करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको साइन का, बिल्कुल रोड्स पे जो साइन लगे होते हैं उनका ज्ञान जरूर होना चाहिए अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनवा रहे हो तो। हैवी लाइसेंस दोस्तों नाम ही उसका होता है और उसी के हिसाब से दोस्तों हैवी लाइसेंस बनता भी है। हैवी लाइसेंस में दोस्तों आपका डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप उसको बनवा नहीं सकते हो, आप उसके पहले दोस्तों 1 साल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 4 व्हीलर का, तब हैवी लाइसेंस बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जब ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे तो आपका लर्नर हैवी लाइसेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा विद इन 2 डेज़। फिर उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे 35 दिन वेट करना है, 35 दिन दोस्तों बाद आप फिर से अप्लाई करेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फिर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके वहाँ पे फोटो और वहाँ पे सिग्नेचर और वहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाएंगे। फिर वहाँ पे आपका 1 महीने पे वाया पोस्ट आपका हैवी लाइसेंस आपके घर पे भेज दिया जाएगा। इन केस अगर आपका एड्रेस नहीं सही है तो वहाँ पे आप के घर पे वहाँ पे नहीं आएगा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन वो आपके RTO ऑफिस में आके मौजूद रहेगा, वहाँ से आप उसको जाकर ले सकते हो। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों पूरी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक। तो आप अगर आप यहाँ तक चले आए हैं वीडियो देखते देखते तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ डेली इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। इन केस आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए नीचे और कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आंसर डेफिनेटली जरूर दूंगा दोस्तों आप लोगों का। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक दोनों करिएगा। लाइक आप नहीं करते हो, लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। और यहाँ पे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता चल जाए कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या वहाँ पे टर्म्स कंडीशन, क्या एज, क्या फ़ीस, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे अब मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे यहाँ पे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।